देश भर में कोरोना के तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी एक नए आंकड़े के साथ सरकार तैयारी कर रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, क्या मानते हैं ऐसे ही दो शख्स हमारे साथ में हैं, गोपाल और अर्पिता, जो पिछले साल ही कोरोना काल में शादी के बंधन में बंधे थे लेकिन अब कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए वैक्सीन को सबसे ज्यादा उपयोगी मानते हैं। क्या उनका मानना है, आइए उनसे बात करते हैं। गोपाल, आपको क्या लगता है कि अगर वैक्सीन को लेकर कि आपने क्या सोचा था, कितनी तैयारी की थी, कितना इंतजार कर रहे थे? मुझे यही लग रहा था हमेशा से कि जब वैक्सीन आएगी तो तभी इसका कुछ इलाज हो सकता है, अदरवाइज कोरोना को जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई इसका इलाज और है नहीं दूसरा। तो मुझे लगता था हमेशा से कि सरकार कब शुरू करेगी, जब वो 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगाना शुरू करेगी। तो अभी जो है सुनने में आया कि रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, मैंने कोशिश भी की थी रजिस्टर करने की लेकिन वो शायद अभी स्टार्ट नहीं हुए, आज शाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस चीज का बहुत पहले से इंतजार था हमको कि कब वैक्सीन आती है और हम लोग उससे वैक्सीनेटेड होके खुद तो सेफ होंगे ही साथ में और हम अपने आसपास के लोगों को भी सेफ कर सकते हैं उससे। तो मुझे लगता है वैक्सीन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम इससे बच सकते हैं। कितना घर में आपके लोगों में आपने कुछ ट्रेजेडीज भी देखी होंगी, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, कैसा माहौल है इस वक्त, कैसा घर में माहौल है और आपको क्यों ऐसा लगा कि नहीं इसको जल्द से जल्द हमें करवा लेना चाहिए? सर, अब मैं एक बात कहूं, मैंने भी रिसेंटली अपना एक दोस्त खो दिया जो कोरोना की लड़ाई हार गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक इस चीज को बिल्कुल काबू करना है अगर, तो हमें वैक्सीनेटेड होना ही पड़ेगा। काफी फैमिलीज में सुनने में भी आता है बार बार कि आज वो एक्सपायर हो गए, कल वो एक्सपायर हो, तो एक दहशत का माहौल घर में बन गया है। हर बार फोन उठाने से भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कोई गंदी बुरी खबर मिल जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी को वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। अपने फादर मदर की मैं लगवा चुका हूं लेकिन अभी हम लोगों के लिए योजना नहीं आई थी, तो जैसे ही 18 प्लस लोगों के लिए शुरू हुआ तो मैंने अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश की और मैं जरूर इसको लगवाऊंगा। और मैं अपील करता हूं सभी से कि सभी वैक्सीनेटेड हो और सुरक्षित रखें खुद को। अर्पिता, आप हमें बता रही थी कि पिछले साल ही आपकी शादी हुई है, खुद आपने 25 मेहमानों के साथ कोविड के लॉकडाउन के दौरान शादी की थी, एक साल होने को आ गया है लेकिन स्थिति बहुत खराब है, कैसा लगता है कि एक साल में हम कुछ कर पाए हैं या वहीं के वहीं हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट है आपको पॉजिटिव रहने के लिए। और एक ये चीज तो है कि हम लोग के साथ बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं, उसको हम रिकवर तो नहीं कर सकते बट लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ को आगे बढ़ने के लिए इट इज द ओनली वे टू गेट वैक्सीनेटेड। और जहां तक गैदरिंग की बात है, यस हम भी वेट कर रहे हैं कब वो अच्छा समय आएगा, और वो समय जरूर आएगा जब हम एक गैदरिंग कर पाएंगे, फिर से हम पुरानी जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। थैंक यू। कितने उतार चढ़ाव आपने देखे एक साल में शादी के बाद, अब एक साल होने को आ गया है, परिवार में कोरोना काल में खासतौर पर जिस तरीके से इस वक्त केस भी आ रहे हैं, घर में कुछ ट्रेजेडीज भी, कैसा समय रहा एक साल, कितना किस तरीके का रहा आपके लिए? बहुत टफ टाइम रहा बिकॉज मैंने अपने 3 अंकल खो दिए हैं फ्रॉम द सेम फैमिली। सो उसके लिए हमने देखा कि कोरोना एक ऐसा ड्रॉबैक रहा है कि लाइफ में कोई पॉजिटिव रह नहीं पाया, किसी ने अपने पूरे फैमिलीज खो दिए हैं। सो हम रोज रात रोते हैं, फिर सुबह सोचते हैं कि हाँ हम ये चीज अप्लाई करेंगे तो हम इससे बच जाएंगे, रोज एक दहशत वाला माहौल है। हम पॉजिटिव तभी रह सकते हैं जब हम वैक्सीनेशन करा लें और आगे के साल भी तभी गुजर पाएंगे अच्छे जब हम वैक्सीन लगवाएंगे। प्लीज इसको ये मत समझिए कि वैक्सीन लगाने से आप गांव में लगाएंगे तो उसका ड्रॉबैक होगा या फिर आपको कोई गलत वैक्सीन लगा देगा। एक चीज के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप शहर में हो, चाहे आप जैसे भी इलाके में, अगर वहां पर वैक्सीन लग रही है प्लीज लगवाइए।